अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फाइनली कलंदर की वो एपिसोड आ गई जिसका सब इंतज़ार कर रहे थे। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा और 27 एपिसोड्स पर भी रिव्यूज़ देंगे, मगर व्यूवर्स मेरे चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मेरी मजीद वीडियो आप तक पहुंच जाए। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी बहस थी कि जब दुर्रे अदन को तबरेज़ की सच्चाई पता लगेगी तो क्या होगा, उसके एक्सप्रेशन क्या होंगे, फिर उसका रद्द अमल क्या होगा और वो क्या करेगी, क्या वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ बोलेगी। तो व्यूअर्स, फाइनली वो एपिसोड आई और आप सब ने दुर्योधन के एक्सप्रेशन देखे और जहां तक इरफान के एक्सप्रेशन की बात है वो भी आपने देखे। इरफान एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि किस तरह तबरेज़ की मदर बैठी हुई ये कह रही थी कि कोई बात नहीं, लोग चार से शादी करते हैं, हमारे दीन में जायज़ है। एक दीन में, अगर हमारे दीन में चार शादियाँ अलाउ की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुपन छुपाई खेलें शादियों के साथ, आप छुप के कहीं और शादी करते फिरें और छुप कर कहीं और शादी करते फिरें। हमारे जो पाकिस्तान के कानून है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले बीवी से इजाज़त लेनी होगी। तो यहाँ तो फजूल सीन था, बिल्कुल भी नहीं बनता और गलत चीज़ दिखाई गई। इस्लाम हमारा ये नहीं कहता जो यहाँ दिखाया गया। ड्रामे में मजीद इंटरेस्ट और नेक्स्ट एपिसोड में आएगा जब सुम्बुल जूही की शादी में आएगी। तबरेज़ वैसे ही इन्वाइट करना चाह रहा होगा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए सुम्बुल को, मगर उसका डैड कहेगा कि आपको जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वो लाजमी जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सीन होगा, क्योंकि क्या कहकर इंट्रोड्यूस करवाएंगे सुम्बुल को। और सुम्बुल को तो चलो ये झूठ बोल देंगे कि जो दुर्योधन है वो उसकी कज़न है या जो भी, ये झूठ बोल सकते हैं, मगर वहाँ तो बहुत से लोग होंगे, मतलब सोसाइटी होगी जिसका स्टार्ट से दिखाया गया कि बरादरी में रहते हैं हम, बरादरी वाले क्या कहेंगे, तो वो वाला सेशन होगा। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नेक्स्ट एपिसोड में दुर्योधन की तबरेज़ से भी मुलाकात होगी, क्योंकि जूही के रिश्ते की बात चल रही है तो तबरेज़ लाजमी घर आएगा। और एक और लास्ट सस्पेंस जो इस ड्रामे का अभी तक रह गया है वो ये है कि जूही के जो ससुराल वाले हैं वो भी कमीने ही निकलेंगे, बिल्कुल तबरेज़ की तरह। जिस तरह तबरेज़ ने दूसरी शादी कर रखी है, या तो उसके ससुराल वालों ने, मतलब जो उसका मंगेतर होगा उसने भी दूसरी शादी कर रखी होगी, या फिर ड्रामा फ्रॉड वाला चक्कर होगा, वो सब कुछ ले लूकर भाग जाएगा। व्यूअर्स, तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जूही के बड़े स्टार्ट से दिखा रखा था कि हमारी नाजों में पली बेटी है, बड़े सर पे चढ़ा रखा था। और इरफान तो चलो उसे कुछ कह भी देता था, जहाँ तक तबरेज़ का ताल्लुक है वो तो उसे कुछ भी नहीं कहता था। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रामा होने वाला है, इसकी एंड बहुत ही ज़बरदस्त होगा। व्यूअर्स, ये ड्रामा हमें क्या सिखाता है ये भी ज़रूरी है। हम बहुत से ड्रामास देखते हैं मगर हम उसका लेसन इग्नोर कर देते हैं। इस ड्रामे का लेसन यही है कि उन्होंने दुर्रे अदन जैसी शरीफ लड़की के साथ इतना कुछ गलत किया और उसका अंजाम उन्हें अपनी बेटी की सूरत में देखने को मिलेगा। जूही के ससुराल वाले उसके साथ करेंगे, वो आपको आने वाले एपिसोड्स में पता लग जाएगा। और जहाँ तक सुम्बुल का ताल्लुक है, सुम्बुल एक अमीर बिगड़ी हुई मगरूर लड़की है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तबरेज़ उसकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे, उसे जिस चीज़ से फर्क पड़ता है वो है लग्जरी लाइफस्टाइल और वो उसके पास हमेशा रहने वाला है। बस अब एक सीन देखने का रह गया है जब तबरेज़ को सुम्बुल छोड़ देगी और वो वापस दुर्योधन के पास आएगा और माफ़ी शाफ़ी मांगेगा। वो सीन ज़बरदस्त होगा मगर वो लास्ट एपिसोड का सीन होगा, उसके लिए हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप मेरी मजीद वीडियो देख सकें। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।